आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ गिट्टू बंद है घर के अंदर और मैं बैठी हुई हूँ घर के बाहर। क्यों बैठी हुई हूँ तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रंगोली, तो मेरी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है और मैंने अगर उसको बाहर छोड़ दिया तो रंगोली में बना ही ना पाती। तो फिर मैंने उसको अंदर गेट पे बंद कर दिया क्योंकि ये तो गेट लग जा रहा तो बंद है, वो वहाँ से देखती रहेगी। तो उसको खेलने कूदने का सब सामान मैंने यहीं रख दिया ताकि वो वहाँ से देखती रह, अगर इधर आ जाती ना तो मेरा पूरा ये बिगाड़ देती। और ये देखो रंगोली बनाते बनाते ना ये लाभ गिर गया। तो क्या इस साल मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला है? कुछ तो लाभ होगा, शुभ तो है अभी लगा हुआ बट लाभ गिर गया क्योंकि टेप से लगा हुआ था ना तो गिर जाता है यार। ये देखो डॉक्टर जो टेप आती ना उससे मैंने लगाया हुआ तो निकल गया ये। तो अभी मैं इसको लगा दूंगी। और मेरी रंगोली कैसी लग रही है वो बताइएगा। मैंने इस पर ना मतलब यहाँ पे जो बीच में जगह छूटी हुई है ना ये वाली, तो इसमें रखा जाएगा तुलसी जी का वो रहा पौधा, तो यहाँ रखा जाएगा। फिर अच्छे से पूजा वूजा कर लूँगी और नीचे मैंने लिख दिया तुलसी विवाह। और कुछ रंगोली इस तरह से बनाई हुई है। ये रंगोली मैं इसलिए बना पाई इतनी बड़ी और इतनी अच्छी लग रही आज की रंगोली से बहुत संतुष्ट, क्योंकि ये महारानी हमारी सो रहा था। क्यों बच्चा मेरा सो रहा था ना इसलिए मम्मा ने रंगोली बना ली, ये तो मम्मा रंगोली नहीं बना पाती। तो अभी मैंने रंगोली बना ली हुई है। ये सब यहाँ पे ताम झाम जितना भी है वो सब मुझे उठाना है। और अभी किट्टू को थोड़ा सा तो अभी मुझे वो आवाज़ भी दे रही कि मम्मा अब मुझे निकालो बाहर। तो चलो इसको पहले ना गेट खोल के बाहर लेकर आते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो देखो कितनी फटाफट आ गई वो। हाँ अभी इसको देखो कहाँ जाना है कहाँ जाना है। ये इधर रखा हुआ है ना तो बस उसने वो देख लिया होगा तो बस इसको कीड़ा काड़ी करने जाना है। बस ये वाला गेट भी मैं हमेशा बंद ही रखती हूँ। देखो उठा लिया पैर पोछ बेटा गंदा है वो हाथ रख। चलो छोड़ो 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 छोड़ दो। किट्टू रानी आ गई हमारी बाहर। अब इसको अभी को थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कोल्ड हो रहा है ना तो अभी थोड़ी सी वो ऐसी सांस लेने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। किट्टू मम्मा का रंगोली कैसा लग रहा है बताओ आज? मम्मा का रंगोली कैसा लग रहा है सबको बता दो। रंगोली कैसा लग रहा है मम्मा का रंगोली कैसा लग रहा? लोग भाव नहीं दे रही मम्मा की रंगोली को और मम्मा को दोनों को ही नहीं दे रही है। तो चलिए चलते हैं अंदर, इसको थोड़ा सा कुछ खिला पिला देती हूँ क्योंकि सोची उठी तो भूख लग रही होगी। बोलो मेरे सारे कपड़े खींच खींच इतने ढीले डाले कर दिए ना इसने। कहाँ जाना है? कितनी पड़ेगा आपको ऐसे करोगे तो? तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और कुछ खाना पीने के लिए बना लिया जाए शाम के लिए, क्योंकि पूजा भी करनी रहेगी, दिए वगैरह लगाने रहेंगे तो फिर फटाके भी फोड़ने रहेंगे तो फिर शाम को टाइम नहीं मिलेगा। तो आधी प्रिपरेशन करके अपन रख देते हैं। तैयारी मेरी पूरी हो गई है, खाना पीना भी सब बना दिया मैंने। पूजा करनी है, पूजा के बर्तन ले लेती हूँ, बत्तियाँ भी ले ली है मैंने, दिया भी जलाना रहेगा ना इसलिए। इसको तो इधर ही रख देती हूँ ना, ये गिरा विरा देगी तो। और पानी इतना तेज हाँ ढोलते मैं फिसलते फिसलते बच्चे लोग आए यहाँ पे पूजा करने के लिए तो हम लोगों ने तैयारी पूजा की पूरी कर ली है और ये हमको पूजा नहीं करने दे रही है। कहीं आगे गिर रही है कहीं पीछे गिर रही है कहीं कुछ कुछ करके नहीं हमें परेशान कर रही है। हमें ना तो दिया जलाने दे रही है ना हमें कुछ बत्ती वत्ती कुछ नहीं लगाने दे रही है। ये देखिए इसकी मस्ती जिसने पूरा पानी भी ढोल दिया ग्लास भर के। चलो पहले पूजा करते हैं फिर बाकी के काम करते हैं। देखो इधर आ गए चलो पहले पूजा कर लो जो बैठे कोई जे जे
क्या है, कौन याद कर रहा है किट्टू को? अरे पूजा हो गई है और अभी मैं आ गई हूँ तुलसी जी की पूजा करने के लिए। तो वैसे जो हमारी मेन 11 की पूजा होती है ना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो फिर वही वो लोग पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूरे रीति रिवाज के साथ हमारे घर पर काफ़ी अच्छे से होती है। बस यहाँ पर तो ये कि हम तुलसी जी का जो भी 7 श्रृंगार का 16 श्रृंगार जो उनके लिए सामान लेकर आती हूँ वो चढ़ा देती हूँ, और उनको चुनरी वगैरह सारी चीज़ें उनका बस अच्छे से मैं कर देती हूँ जितना कुछ मुझे पता है उस हिसाब से। बस तो यहाँ पर अभी बस मैंने उनको चुनरी वगैरह सब उड़ा दी हुई है, और उनके लिए जो 16 श्रृंगार का जो भी कुछ सामान आई थी वो सब मैं चढ़ा दूंगी, और फूल वगैरह मिठाई वगैरह जो कुछ भी था मेरे पास मैंने सब कुछ माता रानी को चढ़ा दिया हुआ था भोग के लिए। और मेरी रंगोली के बीच में तुलसी जी कितनी क्यूट लग रही है ना, मुझे तो बड़ी प्यारी सी लग रही है। और ये मेरा जो ब्लॉग है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे लगा मैंने अपलोड करके डाल दिया बट नहीं, मैंने नहीं डाला था, मैंने देखा ही नहीं। पता नहीं मैं किट्टू में ना अभी दिन भर पूरा दिन इधर उधर भागती रहती है ना, तो पूरा दिन मैं बिजी हो जाती हूँ तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ। बट ठीक है, मैंने एक मेमोरी कैप्चर की हुई थी तो फिर सोचा कि चलो आप लोग साथ शेयर करती ही हूँ। और किट्टू अभी कह रहे हैं कि मैं और पति देव, पति तो दिन भर ऑफिस में तो मैं अकेली घर में रहती हूँ, तो मुझे ना पूरा घर भी देखना होता है, किट्टू को भी देखना होता है, तो चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी अनबैलेंस्ड। बट ठीक है, जैसे तैसे मुझसे जितना कुछ बन पा रहा है वो उतनी मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मैनेज कर लूँ। होप कि किट्टू जैसे जैसे बड़ी होगी उसको भी मतलब थोड़ा सा बिजी हो जाएगी वो भी खेल कूद में और पढ़ाई लिखाई में, फिर कहाँ ये मौका मिलेगा। तो जितना कुछ हो सकता है मैं किट्टू घर पूरा पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो बस अभी मैं दिए वगैरह जला लेती हूँ, फिर दिए पूरे घर में जलाऊंगी। पीछे वाली बालकनी में भी दिए रख दिए, घर के अंदर भी दिए रख दिए, और अब मैं आ गई हूँ बाहर वाली बालकनी में दिए रखने के लिए। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने हमारी जो देव उठनी 11 थी वो सेलिब्रेट की थी। और आगे मतलब आप लोग देखना किट्टू कितना ज़्यादा रो रही थी पटाखों में, तो वो चीज़ भी मैंने कैप्चर की हुई है ताकि जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ कि देखना फर्स्ट टाइम जब आपकी दिवाली पड़ी थी तो आप किस तरह से रो रही थी करके। इस वजह से मैंने और ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है, तो ब्लॉग में बने रहना। और प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आपको। तुलसी जी की कैसी लग रही है हमारी क्यूट सी तुलसी जी? बता इस बार ना हमारी तुलसी जी जो है ना वो थोड़ी सी नाजुक नाजुक सी है, बट आई होप कि वो अच्छी हो जाएंगी। तो कुछ उनके स्वागत में और उनकी पूजा के लिए मैंने इस तरह से बनाई थी, तो वो कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम क्यूट सी। तो भी हम लोग आ गए थे छत में पटाखे फोड़ने के लिए और पतिदेव पीछे ये अनार जला रही है छत में, तो हमारे लाइट है नीचे एकदम लाइट नहीं था, तो फिर हमने सोचा कि चलो ऊपर ही। ये दूर ही है वो, तो वो एकदम से लगा देते ना ये लोग, इसलिए रोने लगती है मुझे लगता है। देखो उसको पटाके नहीं समझ में आए, उसको पटाके नहीं समझ में आए। नहीं नहीं किट्टू को पटाके नहीं समझ में आए। हाँ हाँ चलो चलो ला 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 ला, चलो फुलझड़ी जला दो डेटा, फुलझड़ी से देख लो, फुलझड़ी तो देख लो। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये
मामले में हमारी किट्टू फट्टू है। तो सब जगह पटाखे फूट रहे हैं, तो किट्टू एकदम से बज रहे हैं, तो ओ, ओ नहीं नहीं फट्टू नहीं, फट्टू थोड़ी ना हो। आपको मैंने ना क्लिप रिकॉर्ड करूंगी ताकि जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपने क्लिप देखना। आप ये मजा आया। पटाखे फूटे तो डर हो गया था, रो रहा था। अब और जलाएंगे पटाखा, पटाखा फूरेंगे, अब रॉकेट रॉकेट जलेगा। रो रहा था ना अभी बेटू, रो रहा था, पटाखा फूटे तो रोते नहीं है बेटा, मजे करते पटाखे से। तो कोई बात नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब ये वीडियो देखना, क्या पटाखे जब फोड़ रहे थे जब आपकी फर्स्ट दिवाली थी, आप कैसे रो रहे थे। ये शांत है अब देखो, अब जैसे ही फटाका फूटा वैसे इसने रोना शुरू किया, तो कितना खुश है। डरपुकली डरपुकली डरपुकली, ये देखो। खुश नहीं, हाँ फोड़ा नहीं फोड़ा ना फोड़ा नहीं फोड़ा बेटू नहीं फोड़ा नहीं फोड़ा नहीं फोड़ा। ये चुप हो गया, नहीं लगा उसमें बत्ती, कहाँ चल गई। हाँ ज्यादा स्पार्कल नहीं किए हैं। ओ फट्टू डर रहे थे ना, फटाके फोड़ रहे थे। फट्टू ए फट्टू, फटाका फूटा तो डरा, कौन डरा था, मिशिका डरी थी, मिशिका डरी थी। मिशिका डरा था ना, मिशिका कि किट्टू डरा था, फट्टू डरी थी, फट्टू डर गया तो डर गया, कैसे घूर रही थी आपको पटाखे फोड़ रहे थे। तो लो पकड़ो जो डेढ़ा के पंचा, उसको भी खाना खिला देती हूँ। थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है, बट आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर टू ऑल।